बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है मेरे देखने वाले जहाँ मेरे खुश रहें, आबाद रहें। तो फ्रेंड्स, बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होती है, वीडियो को पूरा देखा करें, आपकी बहुत मेहरबानी। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है कुछ स्पेशल भी है, खास भी है और बहुत अहम भी थी। सोचा आप लोगों से भी शेयर कीजिए। आप लोगों को तो पता ही है कि मेरे यहाँ अपनी जो भी खुशी होती है, जो परेशानी होती है, आप लोगों से शेयर करती हूँ, आप लोगों के साथ ही। आजकल तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि सब कुछ ठीक है, अल्लाह पाक सबको सलामत रहे, खुशी रहे। लेकिन जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये इनके बीमारी की वजह से फिर से हालात ख़राब हो रहे हैं। अल्लाह पाक सब से मेरी यही दुआ है कि अल्लाह पाक सब के पर रहम फरमाए, अपना करम फरमाए, ताकि ऐसे मौजूद बीमारी से हर इंसान को महफूज रखे, खासकर बच्चों और बुज़ुर्गों को। जैसा कि आप लोगों ने सुना है कि बच्चों और बुज़ुर्गों को ज़्यादा इस बीमारी का, यानी कि ज़्यादा ना खतरा होता है इस बीमारी से। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो जैसा कि आपको पता है कि ईद का चल रहा है, हिसाब किताब रोज़े जो है बहुत कम रह गए हैं, रोज़े ख़त्म होने वाले, इसलिए ईद की थोड़ी शॉपिंग की थी हमने, बच्चों के लिए सिर्फ की है, अपने लिए नहीं की। क्योंकि वैसे ही नहीं कि इस बार ने आपको जैसे बताया था मैंने पिछली वीडियो में, शायद आप लोगों को याद ना हो कि हमारे जो मामू हैं कुछ तकरीबन दो तीन चार माह हुए हैं उन्हें फौत हुए, इस वजह से ना हम लोगों ने इतनी ज़्यादा खुशी नहीं इस बार ईद की। अल्लाह पाक ने जन्नत में जगह दी, हमसे दुआ कर सकते हैं उनके लिए। लेकिन बस बच्चों के लिए हम लोगों ने थोड़ी सी शॉपिंग की है, वो आपसे शेयर करने वाले, आपको दिखाने वाली हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। मैं सिर्फ बच्चों के लिए कपड़े और जूते लिए थे, सोचा कि आप लोगों के थे, वो सबसे मेन चीज़ मेरी बेटी के लिए जो ली है वो मैं आप लोगों को आखिर पे दिखाऊंगी, और वीडियो को पूरा देखिएगा। और सबसे पहले मैं अपनी बेटी का सूट दिखा देती हूँ। तो यानी कि ना आज ही इनके शॉपिंग करके आई थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, आप लोगों को दिखा दूँ। ये देखिए, ये वाइट कलर की शर्ट है और इसके साथ ही ये ब्लू कलर की पैंट है। आप लोगों ने बताना है कि मेरी बेटी के कपड़े कैसे लगे हैं आपको, ठीक है फ्रेंड्स? आप लोगों ने मेरी बेटी के भी और बेटे दोनों के ही हैं, तो इस वक्त मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखिए, तो आपने वीडियो में मुझे कमेंट्स में बताना है कि कपड़े आप लोगों को कैसे लगे, अच्छे लगे। और साथ ही मैं दूसरा ड्रेस भी मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे बेटे का भी है। ये देखिए, ये मेरे बेटे का ड्रेस है। क्योंकि आपको पता है गर्मी का सीज़न है, तो इसलिए ज़्यादातर कॉटन की शर्ट चल रही है, इसलिए मुझे अच्छी लगी थी रेड कलर की, तो मैंने उसके लिए ये वाले लिया है सूट ना। ये देखिए, और साथ में ये ब्लू कलर ब्लैक कलर की पैंट है इसके साथ। तो फ्रेंड, दूसरी बात ये है कि ये जो ब्लैक ड्रेस है ये आपको दिखाने वाली हूँ मैं अपनी बेटी का। तो ऐसा हुआ था क्योंकि मैं लेने के लिए इसके लिए ब्लू कलर का ड्रेस गई थी मनजा के लिए ना, तो लेकिन क्या बताऊँ मैं आपको, मैंने पूरा, मुझे तो इस ब्लू कलर के ड्रेस की वजह से मुझे रास्ता ही भूल गया बाजार का। 3 घंटे मुझे वहाँ खज्जल ख़राब होना पड़ा इस ब्लू कलर के लिए, क्योंकि मुझे ब्लू कलर का ना जो ड्रेस है वो मिला ही नहीं, इसलिए मुझे खास ना आखिर पर आकर ब्लैक कलर का ड्रेस लेना पड़ा इसके लिए। ये देखिए, ये आपने बताना है मुझे, ठीक है, कितना भी अच्छा लगा है, मेरी बेटी को लगेगा अच्छा। तो ये देखिए, और उसके बाद इनके चप्पल से लिए थे मैंने, जो शूज़ लिए इनके ईद के लिए, तो वो भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये मेरे बेटे के हैं, उससे क्योंकि वो दूसरे जितना सैंडल्स नहीं पहनता, इसलिए उसके लिए ऐसे ना शूज़ लेने पड़ते हैं, तो मुझे अच्छे लगे थे मैंने इसलिए उसके लिए ये ले लिए। स्माल से इनके, स्माल है इसके, इनके वो क्या कहते हैं ना, कंपनी का नाम है इसके ऊपर लिखा हुआ भी है, तो इसलिए मुझे अच्छे लगे। और साथ में ये मेरी बेटी के हैं, ये देखिए, ये उसके शूज़ हैं। मैंने बताया था ना, सिर्फ बच्चों के लिए शॉपिंग की है हमने, अपने लिए नहीं की इस बार। तो ये देखिए, ये और फ्रेंड्स, सबसे आखिर पे जो चीज़ है मेरी बेटी के लिए, जिसकी जो ख्वाहिश थी वो आज पूरी होगी, क्योंकि बड़ी देर से मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि मम्मा जी मुझे डोल लेनी है, और वो भी वो लेवल डोल है जो कि गाना गाती हो। तो काफ़ी दिनों के, तकरीबन महीनों के बाद ही इसकी ये ख्वाहिश मैंने पूरी की है, और उसके लिए मम्मा डोल लेके मैं आपको दिखाने वाली। ये देखिए, सबसे मेन जो इसके लिए चीज़ है वो उसकी डोल, जैसे देख कर, ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि ये कैसे खुश हो रही है। ये देखिए, ये गाना गाती है, पता नहीं क्या गाना गाती है। तो फ्रेंड, ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट से बताइए मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो।